हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एसटी वर्मा चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रूलर, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, द रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द ब्लॉक इज एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, the ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. What can be the maximum angular speed for which the block does not slip? And part B is, if the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha, at what angular speed will the block slip? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपको ये वर्टिकल लाइन के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रूलर है और उसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस की गई है जो कि ब्लू शेडेड रीजन से दिखाई गई है। ठीक है, ब्लॉक की मास दी हुई है m और डिस्टेंस जहां से है ब्लॉक की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो l दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दी हुई है, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दी हुई है, ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमारी हुई, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रूलर एंड ब्लॉक इज इक्वल टू म्यू, और मास ऑफ द ब्लॉक दी हुई है, मास ऑफ द ब्लॉक is m। ठीक है, और अभी देखिए पार्ट एक हम पहले सॉल्व करते हैं। सपोज एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, लेट ओमेगा बी द एंगुलर स्पीड थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं इसका। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ब्लॉक का बनाएं, ये तो हम दिखाए हैं सिर्फ, ठीक है, टॉप व्यू है ये इसका। अगर ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो फोर्स देखिए क्या क्या एक्ट करेगी। एक तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम, दूसरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम दी, और थर्ड फोर्स जो है टुवार्ड्स द सेंटर आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही रहेगा। चलिए फोर्सेस ऑन द ब्लॉक क्या क्या लिस्ट कर लेते हैं। फोर्सेस ऑन द ब्लॉक पहला हो गया आपका एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड है नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एम, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम, अपवर्ड डायरेक्शन में है ये अपवर्ड, थर्ड फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है फ्रिक्शन फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स एफ टुवर्ड्स फिक्स्ड एंड, फोर्स एफ towards fixed end। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो है, एज एक्सेलरेशन इज जीरो इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg। ठीक है, यही दो फोर्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, n इक्वल टू एम जी। चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन वन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज स्पीड ऑफ रोटेशन दी हुई एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, और रेडियस यहां पर हो जाएगी आपकी एल। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल जो होगी
एक्सेलरेशन टुवार्ड्स द सेंटर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवार्ड्स द सेंटर ओनली फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स है, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन टू। अब देखिए, जैसा हम जानते हैं एस फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी म्यू टाइम्स एन। चलिए तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यूजिंग वन एंड टू, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी यूजिंग वन एंड टू, वन एंड टू। चलिए यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगी, देखिए मास कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड, तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय एल। ठीक है, तो ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू जी बाय एल। चलिए ऊपर मूव कर लेते हैं, हेंस मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय एल। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में क्या बोल रहा है, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड। ठीक है, अभी तक यूनिफॉर्म स्पीड था, अब इसके बाद स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो जीरो से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रहा है, एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप। ठीक है, मतलब एक स्पीड ऐसा आएगा जिसके बाद ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है उसको नोट डाउन पहले कर लेते हैं पार्ट बी में, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, लेट एंगुलर स्पीड, लेट एट एंगुलर स्पीड बी ओमेगा एट विच ब्लॉक विल स्लिप, ब्लॉक विल स्लिप। ठीक है, अब यहां देखिए टांजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम टांजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, टांजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी से डिनोट करते हैं इसे, और ये हो जाएगी हमारी अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो अल्फा इंटू एल। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हेन स्पीड इज ओमेगा, व्हेन स्पीड इज ओमेगा कितना हो जाएगा, ए आर से डिनोट करते हैं इसे, इज ए आर रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो कि एल है। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन जो हमारी हो जाएगी, नेट एक्सेलरेशन ए इसकी मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए टी स्क्वायर टांजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, तो यहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी ए इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा फोर एल स्क्वायर, और एल अगर कॉमन ले लें हम बाहर रूट से निकाल लेते हैं तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर। ठीक है, चलिए इसे इक्वेशन थ्री हम ले लेते हैं। अब देखिए नेट फोर्स कितनी हो जाएगी इस पर, नेट फोर्स जो सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज एफ इक्वल टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन और m इंटू एल अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर। ठीक है, अब जब स्लीपिंग का केस होगा तो f शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स,
इन केस ऑफ स्लीपिंग एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और हम क्या बोल सकते हैं, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी, ठीक है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी ही होगा। चलिए थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, अब देखें तो वो यहां से हम एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ हमारा है एम इंटू एल अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम इंटू जी। अब दोनों साइड अगर देखें तो मास कैंसिल हो जाएंगे और यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर और ये हमारी हो गई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा टू द पावर फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी बाय एल का होल स्क्वायर। ठीक है यहां से हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा टू द पावर फोर शुड बी ग्रेटर देन म्यू जी बाय एल होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है तो ओमेगा की वैल्यू यहां मिल जाएगी हमें, देयरफॉर ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयरफॉर ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, फोर्थ रूट हो जाएगी इसकी म्यू जी बाय एल होल स्क्वायर। ठीक है म्यू जी बाय एल होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर वन बाय फोर्थ। ठीक है हेंस ब्लॉक विल स्लीप एट एंगुलर स्पीड ऑफ ब्लॉक विल स्लीप एट एंगुलर स्पीड ऑफ omega is equal to mu z by L whole square minus alpha square to the power 1 by 4. Okay friends, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।